Good after, students. Welcome to all students. MSc four semester. I am ready to explain the remaining topic: chilling, frying, and canning. At first, I want to explain about chilling. What is the chilling? I you know that there are different topic uh, in the syllabus. So I, at first I explain about the chilling, chilling. As you know that I wa I uh, give uh, some notes uh, about the chilling. Uh, that you are um, completed the notes. So I explain only the topic line by line. Chilling. What is the chilling? Chilling means lowering of the temperature to about zero degrees centigrade. इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड फॉर प्रिवेंटिंग प्यूट्रिफेक्शन एंड एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ द फिश चिलिंग का मतलब है कि फ़िश मटेरियल को इसका टेम्परेचर को लोअर से लोअर करते जाना टेम्परेचर को कम से कम करते जाना ज़ीरो डिग्री टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर में इसे प्रजर्व करना और जिससे कि पूरी तरह सुरक्षित रहे और काफ़ी समय तक ये प्रजर्व बना रहे इसके लिए एक मेथड यूज़ करते हैं उस मेथड को कहते हैं चिलिंग यानी इट मीन्स लोअरिंग ऑफ द टेम्परेचर टू अबाउट ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड इन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड हैंस लार्ज अमाउंट ऑफ आइस इज़ यूज टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ़ द फिश इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में आइस बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि इसके टेम्परेचर को कम किया जा सके क्योंकि फिश अधिक मात्रा में होते हैं तो उनको रखने के लिए किसी फ्रीजर में दो चार दस बीस तो हम रख सकते हैं लेकिन उससे अधिक फ़िश को कहीं अगर हमें प्रिजर्व करना है चिलिंग मेथड यूज़ करना है तो उसके लिए बर्फ़ ही चाहिए तो बर्फ़ जो है उसको बर्फ़ में पूरी तरह से इस तरह से ढक के रखना कि उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इतना कम हो जाए कि डिग्री टेम्परेचर डिग्री जीरो डिग्री टेम्परेचर से कम होता चला जाए इसकी इस मेथड को चिलिंग बोलते हैं लार्ज फिशिंग वैसेल्स आर प्रोवाइडेड विथ सच फैसिलिटीज़ इसके लिए बहुत तरह के वैसेल्स और फैसल्टी यूज़ किए जाते हैं जिसमें इसको रखा जाता है अलग अलग वेसल्स में चैम्बर्स में इसको रखते हैं अल्टरनेट लेयर्स ऑफ आइस एंड फिश मस्ट बी अरेंज टू ब्रिंग डाउन द टेम्परीचर ऑफ द फ्लैश टू अबाउट जीरो डिग्री टेम्परेचर तो इसके लिए टेम्परेचर इसका काफ़ी कम हो जाए जीरो डिग्री टेम्परेचर से का से भी कम हो जाए जिससे कि पूरी तरह ये प्रिजर्व और पूरी तरह प्रोटेक्टेड बना रहे उसके लिए क्या करते हैं कि बड़े काफ़ी बड़े बड़े कंटेनर होते हैं उसमें इस आइस का लेयर पे लेयर बनाते चले जाते हैं एक लेयर फिर दूसरा लेयर तीसरा लेयर चौथा लेयर इस तरह से उस लेयर के अंदर फिश को पूरी तरह से ढंक देते हैं और ये पूरी तरह से प्रिजर्व हो जाता है दैट इज़ प्रोसेस इज नॉन एज चिलिंग इन द लार्ज फिशज अगर फ़िश काफ़ी बड़े बड़े हैं साइज़ में बड़े हैं तो उसके लिए क्या करते हैं इन द लार्ज फिशेज आइस मस्ट बी अप्लाइड इन द एबाम एब्डोमिनल कैविटी आफ्टर गुटिंग अगर फ़िश की साइज़ काफ़ी बड़ी है तो उसको प्रिजर्व करने के लिए चिलिंग मेथड से क्या करते हैं उसके एबडोमन को खोल करके उसके एबडोमन में आइस को जो है कि इंटर कर देते हैं उसमें रख देते हैं जिस क्योंकि मछली बड़ी होती है फ़िश बड़े होते हैं तो उसके जो एबडोमन भी बड़ा होगा उसके एबडोमन में आइस को भर देते हैं एक तो ये मेथड भी यूज़ करते हैं बड़े फ़िश के लिए छोटे फ़िश के लिए तो लेयर पे लेयर करते जाएंगे और उसमें फ़िश को प्रिजर्व कर देते हैं प्रोटेक्ट कर देते हैं और इसके लिए एक और ख़ास बात ध्यान में रखते हैं इसके अंदर जो है कुछ है एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करते हैं आइस के साथ साथ रखते हैं तो उसमें ख़ास तौर से आर्योमाइसिन और टेट्रामसिन दो तरह के एंटीबायोटिक्स मेडिसिन यूज़ करते हैं इसको जो है कि एंटीबायोटिक्स लाइक आरियोमाइसिन एंड टेक्ट्रामाइसिन कैन बी इनकारोरेटेड इन द आइस टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ़ बैक्टीरिया तो आइस के साथ इसे मिक्स करके उसमें रखते हैं इन दोनों एंटीबायोटिक्स को जिससे कि बैक्टीरिया का ग्रोथ ना होने पाए यानी इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया इम्प्रूव हो जाए प्रिवेंट हो जाए तो यानी इसकी ये सुरक्षित रहे इसके लिए ये मेडिसिन भी यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक भी यूज़ करते हैं तो चिलिंग में ये भी ध्यान रखते हैं तीसरे कंडीशन में क्या करते हैं चिल्ड फ़िश हैव टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर नियर नियरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट इस तरह चिल्ड किए हुए फिश यानी लोअर टेम्परेचर में लाई हुए फिश को उसी तरीके से रखते हैं जैसे फ्रीजिंग पॉइंट जैसे फ्रीज में रखते हैं जितना टेम्परेचर कम हो जाता है इस तरह से फ्रीजिंग कंडीशन देते हैं लार्ज लेवल पर एंड द एटमॉस्फियर शुड बी सेचूरेटेड विथ वाटर वेपर्स टू प्रिवेंट डेसिकेशन इस तरह से इसका जो एटमॉस्फियर है पूरी तरह से एकदम कोल्ड हो जिससे एक फ़िश चाहे बड़े फिश हों चाहे छोटे फिश हों पूरी तरह से जो है प्रोटेक्ट हो जाए और लोअर टेम्परेचर में आ जाए हमने इससे रिलेटेड जो आप लोगों को जो नोट्स दिया है उसी से उसमें कुछ और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि चिलिंग डज नाट अल्टर द फिज़िकल स्टेट ऑफ द फिशेज एंड कीप दैम इन पैलेटेबल स्टेट फॉर ए फ्यू डेज सिर्फ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल या इसके फिजिकल बॉडी डैमेज ना हो इसके लिए ही नहीं बल्कि चिलिंग का इम्पॉर्टेंस ये भी है कि ये इस तरह से काफ़ी दिनों तक फ़िश खाने योग्य बना रहे पैलेटेबल बना रहे पहले टेबल स्टेट में ये फ़िश प्रोटेक्ट रहे और जब नीड होती है जब ज़रूरत होती है जैसा रिक्वायरमेंट हो उस फिश को निकाल को हम पहले टेबल बना करके या उसको खाने योग्य बना सकते हैं तो काफ़ी दिनों तक कुछ दिनों तक पहले टेबल स्टेट में ये बना रहे बड़े फिश चाहे छोटे फिश इसके लिए चिलिंग मेथड अप्लाई करते हैं हाउ यू आर दिस मेथड इज नॉट सुटेबल जब माना कि ये मेथड बहुत सुटेबल नहीं है लेकिन एक मेथड तो ये फिश प्रिजर्वेशन का ही है वन द इंटेंसन टू की फिशेज फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन टू वीक्स माना कि एक मेथड है इसे प्रोटेक्शन होता है सुरक्षा इसे जो प्रिजर्व हम कर सकते हैं लेकिन प्रिजर्वेशन मेथड है लेकिन ये मैक्सिमम दो हफ्ते के लिए ही हम चिलिंग मेथड यूज कर सकते हैं दो हफ्ते से ज़्यादा टू वीक्स से ज़्यादा अगर हमें इसे प्रोटेक्ट करना है प्रिजर्व करना है तो हम इस मेथड को नहीं यूज़ कर सकते मैक्सिमम टू वीक्स के लिए ही ये ये मेथड अप्लाई किया जाता है इसको हम चिलिंग बोलते हैं चिलिंग का यानी इस तरह से एज वी एक्सप्लेंड अबाउट द चिलिंग इट मीन्स चिलिंग मीन्स लोअरिंग ऑफ द टेम्परेचर टू अबाउट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज़ चिलिंग इज़ द मोस्ट डिपेटिंग मेथड फॉर द प्रिंटिंग प्यूट्रीफेक्शन ऑफ स्टेंडिंग ऑफ द लाइफ ऑफ द डेड फिशज क्योंकि फिश की लाइफ ज़्यादा देर तक नहीं होती पानी से निकलने के बाद कुछ ही देर के बाद जैसा उसका लाइफ इस्पान है ये मर जाती है डेथ हो जाती है तो उसके बाद कैसे फेंक देंगे नहीं इसको हम प्रिजर्व करके रखने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए चिलिंग मेथड को अप्लाई करते हैं तो जैसा कि हमने आपको ये चिलिंग मेथड को एक्सप्लेन किया चिलिंग मेथड के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्राइंग फ्राइंग एंड कैनिंग तो नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन द फ्राइंग व्हाट इज़ द मेथड ऑफ फ्राइंग ऑफ फिशेस। फ्राइंग ऑफ फिशेस जो सेकंड मेथड है इसका मतलब ही होता है फ़िश को फ्राई करना फ़िश को तलना फिश को भुनना तल भुन करके फ़िश को रखना तो फ्राइंग ऑफ फ़िशेज़ भी बहुत ही पॉपुलर मेथड है और ये विधि है ये फ्राइंग ऑफ फ़िशेज़ इज़ ए पॉपुलर रिसाइप एक ऐसी विधि है जो बहुत पॉपुलर है फ़िश को तल करके भुन करके फ्राई करके रखते हैं और काफ़ी दिनों तक तो इसका यूज़ करते हैं फ्राई इज़ एन इंस्टेंट हिट विथ फिश लोवर्स ऑफ़ बंगालीज़ अनलाइ अदर फिश क्यूरीज़ दिस डिश इज़ एंड ईजी टू मेक रिसाइप एंड टेक्स वेरी लिटिल कोकिंग टाइम यानी फिश फ्राइंग क्यों अप्लाई करते हैं ये मेथड क्यों यूज़ करते हैं कि अगर बहुत कम समय में भोजन बना के खाना है अगर फिश खाने की इच्छा है और कम समय में हम चाहते हैं कि फ़िश को फूड मटेरियल मिल लें तो इसके लिए बहुत आसान जो तरीका है वो है फ्राइंग फ्राइंग ऑफ फिश कम समय में हम इसे बना सकते हैं कुक कर सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं खा सकते हैं एवरी रीजन हैज़ डिफ़रेंट वर्ज़न ऑफ दिस डिटेक्टेबल डिश और बहुत से एरियाज हैं जैसे इंडिया में बंगाल है पंजाब है साउथ इंडिया है इन सब एरिया में अलग अलग तरीके से इसके अलग अलग मेथड अप्लाई करते हैं लेकिन मिला जुला के फ्राइंग ऑफ फिश ही को या अपने अपने तरीके से यूज़ करते हैं तो बंगाल में पंजाब में और साउथ इंडिया में काफ़ी देखने को मिलता है फ़िश फ्राई करके इसे खाते हैं फिश फ्राइज प्रिपेयर्ड विद एड एमलगेशन ऑफ स्पीसीज़ इस इसमें कई तरह के स्पीसीज़ कई तरह के फ़िश को एक साथ मिक्स करके मिला करके भी फ्राई करते हैं तो इस तरह इसका फ़्लेवर भी अच्छा हो जाता है और इस तरह से फ्राइंग फ्राई करके फिश को खाने खाने से एक तरह से अगर भूख नहीं लगी तब भी भूख लग जाती खाने की इच्छा होती है तो ये भी एक अच्छा मेथड है तो फ्राई का इतना इम्पोर्टेंस है दिस इज़ ए डिस फॉर एवरी लेजी फूडी हु वांट टू इन्जॉय समथिंग डिटेक्टेबल विदाउट पुटिंग इन मच एफर्ट कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते काम नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि अच्छे अच्छे भोजन व्यंजन हमें मिल सके तो जो लेजी टाइप के हैं जो बहुत फॉल्ट नहीं करना चाहते फिर भी चाहते हैं हमें ये खाने को मिले तो उनके लिए फ्राइंग फ़िश मेथड बहुत ही लाभकारी होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अब इसके लिए वी जस्ट नीड ऑल द इंग्रेडिएंट इन प्लेस एंड यू वी आर डन फॉर द डे अब इसके लिए फ्राई के लिए एक प्लेस की सुटेबल प्लेस की जरूरत पड़ती है और या उसके लिए एक इस तरह का कोई समय हो दिन हो जगह हो जहाँ पे हम इसे फ्राई कर सकते हैं यानी कि किसी भी समय किसी भी दिन किसी भी स्थान पर हम फ्राई करके इसे खा सकते हैं दिस आल्सो मेक फॉर ए नाइस होल स्टार्टर फॉर सडन प्लांट्स और अचानक कोई मेहमान घर पे आ जाते हैं या कुछ इस तरह के कोई प्रोग्राम बन जाता है तो अगर फ्राई किया हुआ फ़िश पहले से रखा हुआ है तो उसका यूज़ किया जाता है इसीलिए तो फ्राई या फ्राई करके फिश को जो रखते हैं किसी भी समय इसका यूज़ कर रहे हैं इसका आनंद ले सकते हैं तो अचानक कोई प्लान बन गया तो फ्राई किया हुआ फ़िश रखा हुआ है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं अच्छा खासा जो है डिश बना करके खा सकते हैं डिस्पाइट डीप फ्राइंग फिश इज़ कंसिडर्ड टू बी ए मच हेल्दी ऑप्शन और ये जो है बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है नॉन वेज फूड के लिए हीयर्स एन ईजी फिश फ्राई रिसाइप दैट वी कैन प्रिपेयर एट होम यूजिंग सम सिंपल स्टेप्स हम अपने घर पर बहुत ही सिंपल स्टेप सिंपल तरीके से बहुत आसान तरीके से हम इस तरह से फिश को जो है फ्राई करके इसके डिश बना के इसके कंज्यूम कर सकते हैं इस तरह से ये फ्राइंग ऑफ फ़िश मेथड बहुत ही लाभकारी है बहुत ही पॉपुलर रिसाइफ है पॉपुलर विधि है और और इसकी इस एक्सप्लेनेशन इस को जब आगे हम बढ़ाना बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि ये मेक इट मोर क्रिप्सी और जब किसी फिश मटेरियल जब फ्राई करते हैं तो वो कुरकुरा हो जाता है खाने योग हो जाता है छोटे छोटे तु, टुकड़ों में उसे हम न, कट करके उसे इस तरह से फ्राई करते हैं कि वो कुरकुरा हो जाए खाने योग्य हो जाए अच्छा भी लगता है और इसमें दो एक तरीका और भी अपनाते हैं इस सम राइस फ्लेवर और ग्राम फ्लेवर चने के आटे को या चावल के आटे का जो है पाउडर की तरह से लेके इसको छींटा इसमें मारते हैं छींटे डाल देते हैं जिससे कि वो और कुरकुरा हो जाता है इस तरह से इस ये भी रिसाइप यूज़ करते हैं कहीं कहीं ये देखने को मिलता है इफ़ वी वांट टू मेक इट मोर हेल्दी अगर हम चाहते हैं कि ये और अच्छे तरीके से हम कर सकें फ्राई कर सकें तो उसके लिए वी कैन माइक्रोवेव और एयर फ्राई दिस डिश इसको माइक्रोवेव में और एयर फ्राई डिश भी बना सकते हैं इस तरीके से भी हम माइक्रोवेव में भी इसे फ्राई कर सकते हैं अनदर वे ऑफ मेकिंग इट हेल्दी इज बाय स्प्रेंगिंग और ब्रशिंग सम ऑयल या इसको जो ऑयल में मिक्स करके ऑयल में ऑयल थोड़ा डाल करके इसको हम फ्राई कर सकते हैं ऐज़ देर इज़ नो ग्रेवी इन इट जैसा कि जब इसे फ्राई करेंगे तो इसमें तो रस नहीं होता जूस नहीं होता इसका लेकिन इससे एक फ़ायदा ये होता है कि इसको हम कहीं दूर दराज ले कर जा सकते हैं फ्राई करके फ़िश को टिफ़िन में भर करके हम कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं या कहीं रोड ट्रिप पे जा रहे हैं किसी टूर पे जा रहे हैं तो वहाँ ले कर जा सकते हैं तो ऐज देयर इज़ नो ग्रेवी इन इट दिस फिश रिसाइप कैन बी पैक्ड फॉर टिफिन एंड एंजॉयड ऑन पिकनिक्स एंड रोड स्ट्रिप इस तरह से फ्राई किया हुआ फूड मटीरियल फिश फ़िश फूड को फ्राई फिश फूड को हम पिकनिक पर ले जा सकते हैं आसानी से इसको कंज्यूम कर सकते हैं दिस इजी रिसाइप कैन आल्सो बी सर्वड एज ए स्नैक और इस्टार्टर इन ए पार्टी किसी भी पार्टी में कोई छोटी मोटी पार्टी करनी है या कहीं पे भी हम अचानक कोई प्लान बनाएं तो वहाँ पे अगर फ्राई मटेरियल ऑफ फ़िश है तो हम उससे जो एक छोटी मोटी पार्टी भी कर सकते हैं उसको भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी वांट टू मेक समथिंग डिलीशियस फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स ट्राई दिस एविसम फिश फ्राई एंड वी गेट फ्रेंड्स वुड लव दिस डेलिकेट सरप्राइज़ किसी भी फ्रेंड को या किसी डेलीगेट्स को या अपने फ्रेंड को अगर हम चाहें तो किसी भी सरप्राइज़ के रूप में अचानक हम इसकी दावत दे सकते हैं उसको बुला सकते हैं उसकी स्वागत अवभगत कर सकते हैं और दूसरा जो इस एक्सप्लेनेशन इस में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसको फ्राई करने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स हेडिंग है इंग्रेडिएंट्स फॉर सिक्स सर्विंग इसके जो सिक्स पॉइंट हैं सिक्स सेवन पॉइंट है इसमें ए, कितना कितना कौन कौन सी मात्रा हम मिक्स कर सकते हैं क्या क्या मिला सकते हैं और उसके बाद इसे फ्राई कर सकते हैं तो यहाँ पे दिया गया है कई पॉइंट्स हैं वन किलोग्राम्स चॉप्ड वास्ट एंड ड्राइड फ़िश यानी अगर एक किलो फिश लेते हैं तो उसी हिसाब से हमें क्या क्या उसे मिक्स करना है थ्री टीस्पून पाउडर्ड टर्मेरिक नेक्स्ट थ्री टीस्पून साल्ट टू टीस्पून स्पून क्रश्ड टू पेस्ट जिंजर टू टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट टू टीस्पून स्पून कर्ड यानी दही भी यूज़ करते हैं इसमें टू कप मस्टर्ड आयल ये जो मात्रा इसको मिला करके फिश को हम फ्राई कर सकते हैं तो और ही काफ़ी स्वादिष्ट हो जाता है पहले टेबल हो जाता है और फिर फ्राई में जो हम मेथड स्टेप यूज़ करते हैं वो हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं जो काफ़ी माने रखता है कि यानी फिश फ्राई तो आप समझ गए फ़िश फ्राई क्या होता है कैसे करते हैं क्या इसका इम्पोर्टेंस है क्यों करते हैं लेकिन फ़िश फ्राई करने के जो स्टेप्स हैं वो आपके सामने दो तीन हैं तो ये हेडिंग है मेथड्स ऑफ फ्राइंग स्टेप फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में एक्सप्लेन किया गया है आप पर नोट से इसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं बिगिन विथ वॉशिंग द फिश थारोली अंडर रनिंग वाटर यानी फिश जिस फिश को फ्राई करना है उसको अच्छी तरह से जो है कि वाटर में उसे धुल लें पूरी तरह साफ़ सुथरा करें थारोली जो है फ्रेश कर लें वॉश कर लें सबसे अच्छा काम तो यही है फर्स्ट स्टेप यही है पैट ड्राई एंड कीप एट साइड इन स्ट्रेनर टिल द वाटर ड्रेंस आउट धुलने के बाद जब पूरी तरह अच्छी तरह थारोली वॉशिंग कर लेते हैं तो उसके बाद उसका एक एक बूंद पानी उसमें से निथर जाए निकल जाए ड्रेन हो जाए साफ़ हो जाना यानी कि उसमें एक बूंद भी पानी यानी मॉइस्चर न रह जाए इस इसका जो है ध्यान रखते हैं फर्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेप में क्या करते हैं स्टेप सेकंड, सेकंड टेक ए ट्रे एंड मैरिनेट विथ योगर्ट गार्लिक पेस्ट जिन जिंर पेस्ट टर्मेरिक एंड साल्ट इसमें क्या करते हैं कि इसमें जिस कंटेनर में जिस बर्तन में रखते हैं फिश को उसके उसके एक लेप बना देते हैं उस बर्तन पर किस चीज़ का दही का या गल्ट यानी कर्ड का पेस्ट या गार्लिक पेस्ट या जिंजर पेस्ट अदरक का जो है एक जो है पेस्ट बना करके टर्मेरिक या साल्ट का उस बर्तन में लगा देते हैं फिर उसको उसमें रखते हैं तो इस तरह से सेकंड स्टेप में इससे होता क्या है और इसको कितनी देर तक उसमें रखना है कीप साइड फॉर हाफ एन आवर आधा घंटा या एक घंटा कम से कम इस तरह से इन चीज़ों में मिक्स करके हम इसे इस कंटेनर में रखेंगे सेकंड स्टेप में थर्ड स्टेप जो आता है फ्राई के लिए वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसमें क्या है स्टेप थ्री नाउ हीट ऑयल इन ए डीप फ्राई पैन टू शैलो फ्राई द फिश पीसेज वन बाय वन अब जो है कि आयल को गर्म करते हैं तेल को गर्म करते हैं उसमें जो है कि एक एक जो है पीस को टुकड़े को जो है फ्राई के लिए जो हम फिश पीस रखे हुए हैं उसको डुबाते जाते हैं और उसको पूरी तरह से वो जो है कि वन बाय वन करके उसमें रखते जाते हैं और फ्लेम पर और फ्लेम जो होता है कि बहुत अधिक फ्लेम नहीं होना चाहिए फ्लेम लो होना चाहिए लो फ्लेम पर उसको रखते हैं यानी उसको तलते हैं भूनते हैं और उसको निकालते जाते हैं ड्रेन द फ्राइड फ़िश पीसेज एंड प्लेस ऑन एन एब्ज़ॉर्बेंट पेपर अब जो जो उसको निकालते जाते हैं पीस को तलने के बाद भुनने के बाद फ्राई करने के बाद तो उसको जो है कि एब्ज़ॉर्बेंट पेपर पे रखते हैं जिससे कि जो उसका आयल है पूरी तरह से रिमूव हो जाए और वो भुना हुआ जो है कि जो पीस है फ़िश पीस है वो जो है कि पूरी तरह से एकदम फ्रेश हो जाए रिमूव एक्सेस ऑयल इसमें जो एक्सेस वाट ऑयल है वो उसमें से निकल जाए सर्व हॉट विथ ग्रीन चटनी और इस फ्राई किए हुए फिश मटेरियल को फूड मटेरियल के साथ चाहे तो ग्रीन चटनी भी यूज़ कर सकते हैं जिससे उसके खाने में स्वाद में और बढ़ोतरी हो जाएगी इस तरह से जो है ये फ्राई या फ़िश टॉपिक भी आपके जो है कि एक्सप्लेशन मिल गया आपको और जो लास्ट टॉपिक है इस सेलेबस में, में वो जो है कैनिंग इस यूनिट के इस प्रिंसिपल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ फ़िश प्रिजर्वेशन फ़िश प्रिजर्वेशन में जो लास्ट टॉपिक है कैनिंग है तो कैनिंग कैनिंग हम आपके सामने जो है एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वॉट इज़ द कैनिंग Canning, एक टॉपिक छोटा सा टॉपिक है इसको भी आप यहाँ पे समझ लीजिए कैनिंग व्हाट व्हाट इज कैनिंग कैनिंग मींस कैनिंग इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जब क्योंकि फिश प्रिजर्व करने के बाद ये इसको और दूर ज़रा तक पहुँचाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसकी पैकिंग की जाती है इसकी यानी कि पैकिंग मीन्स कैनिंग कैनिंग मीन्स पैकिंग द कैनिंग इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड कास्टली मिकैनिकली मशीनरी एंड टेक्निकल नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड इसके लिए कैसे पैक करना है पैकिंग के लिए जो मेथड अपनाते हैं उसे कैनिंग बोलते हैं द प्रोडक्ट्स आर कास्टली जब पैकिंग करके इसे कहीं भेजते हैं ये कंट्री दूसरे कंट्री तो जाहिर सी बात कि उस, उस फिश प्रोडक्ट का जो है जो कास्ट है वो काफ़ी कास्टली हो जाता है महंगा हो जाता है द प्रोसेस इंक्लूड्स पैकिंग ऑफ फिश इन टिन बॉक्सेस टिन बॉक्स में इसे पैक करते हैं उसको सील्ड करते हैं एयर टाइट एंड इस्टेलाइज बाय हीट हीट द्वारा हीट के माध्यम से इसे एयर टाइट करते हैं स्टालाइज करते हैं जिससे कि ये इन्फेक्टेड ना होने पाए और सुरक्षित तरीके से कहीं भी पहुँचाया जा सके इसमें करते क्या हैं फिश आर फर्स्ट कट इन टू पीसेज एंड सुटेबल साइज इसको छोटे छोटे टुकड़े में इसको पीस बनाते हैं फिश का उसके हेड को अलग करेंगे फिन को अलग कर देंगे विसरा को अलग करते हैं ये सब जो एक्सेस मटेरियल है उसको निकाल के बाहर करते हैं अच्छे अच्छे जो पीस है उसको धुल लेते हैं द दा पीसेज आर वाश्ड एंड क्लिन टू रिमूव ब्लड इसको साफ़ कर लेते हैं उसमें जो ब्लड है उसको भी रिमूव कर देते हैं यानी ब्लड ना लगा रहे दे आर ट्रीटेड विथ ब्राइन टू ड्रा ब्लड फ्राम द टिश्यूज ब्राइन भी यूज़ करते हैं उसके ब्लड टिशू में टिशू में जो ब्लड लगे हुए हैं उसको उसको धुलने के लिए साफ करने के लिए ब्राइन का भी यूज़ करते हैं साल्ट सोलूशन का भी यूज़ करते हैं एंड टू गिव इट प्रॉपर डिग्री ऑफ फर्मनेस एंड फ्लेवर और इसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है आफ्टर कुकिंग टू रिमूव एक्सेस ऑफ मॉइस्चर इसको कुक करते हैं और ऊपर जो मेथड फ्राइंग का हमने बताया जिससे इसका जो मॉइस्चर दूर हो जाता है पीस आर पैक्ड इन टिन कैंस फिर इसको इस पीस को पैक करते हैं टिन बॉक्स में विच आर पास्ड थ्रू स्ट्रीम चैम्बर उस स्ट्रीम चैम्बर से उसको गुजारते हैं जिससे कि पूरा एयर टाइट हो जाए स्टेलाइज हो जाए द कैंस आर देन सील्ड एंड स्टेलाइज एंड सुटेबल टेम्परेचर सो एज टू किल दो बैक्टीरिया और उसको सुटेबल टेम्परेचर भी देते हैं जिससे कि उसमें बैक्टीरिया बैक्टीरियल ग्रोथ अगर हो हो सकता है तो वो भी ना हो पूरी तरह से वो प्रिजर्व हो जाए प्रिवेंट हो जाए दैट कॉज स्पॉयलेज ऑफ द फिश वरना अगर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगा तो जाहिर बात की उस वो नुकसान हो सकता ख़राब हो सकता है में फूड मटेरियल। प्रोसेसिंग इंक्लूड फाइनल कुकिंग एंड स्टेलाइजेशन बाय हीट एंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है क्योंकि प्रिजर्व फिश प्रिजर्वेशन करने के बाद अगर लास्ट मेथड अच्छी तरीके से नहीं अपनाया गया अप्लाई किया गया तो सब के सब किए धरे पे पानी फिर सकता है इसलिए कैनिंग मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फिश प्रिजर्वेशन के सारे मेथड बेकार हो जाएंगे अगर कैनिंग मेथड को सही ढंग से नहीं यूज़ किया गया या उस पर अप्लाई किया गया फाइनली सील्ड कैंस आर टेस्टेड फॉर लीक्स बिफोर बींग डिस्पाइज्ड आउट ऑफ द फैक्ट्री टू द मार्केट और लास्ट में एक जो स्टेप रह जाता है इसे ही हम देख लें कि कहीं जो सील्ड किया हुआ मटेरियल है कहीं से लीक तो नहीं कर रहा है कहीं से ये लीकेज तो नहीं है इसमें वरना अगर किसी फैक्ट्री या मार्केट में हम इसे डिस्पैच करने जा रहे हैं तो इसको लास्ट में हम अवश्य देख लें इसको जो है कि टेस्टिंग कर लें इस तरह से ये आपको डिफरेंट जो टॉपिक्स थे हमने आपको एक्सप्लेन किया नोट्स वाले दे दिया है और एक्सप्लेन भी हमने कर दिया सन ड्राइंग हो गया साल्टिंग पिकलिंग स्मोकिंग चिलिंग फ्राइंग एंड कैनिंग तो ये टॉपिक हमने एक्सप्लेन कर दिया नोट्स भी आपको दे दिया है तो ये अच्छी तरह कंप्लीट हो गया इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो हम जारी करेंगे आप लोगों के लिए वो फ़िश प्रोडक्ट लाइक आयल फ़िश सास फ़िश ग्लू ई ये हम नेक्स्ट टॉपिक आपको कल परसों में इसको जो है जारी करेंगे थैंक यू ऑल ऑफ Okay.